Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome back to another vlog. So I hope so ke aap sab theek honge, khair se honge, aur main bhi bilkul theek hoon. So my YouTube family, aaj hai 4 December, Sunday ka din hai. और पेपर्स जो है वो जैसे संडे के दिन जो है मैं आप लोगों को पता है कि मेरे पेपर्स चल रहे हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी जिसकी वजह से हमारे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे. लेकिन आज जो है हमारा ये व्लॉग अपलोड होगा और आज जो है हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे. जो हमारे व्लॉग पैसे देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरी एंड मेरी मम्मा की फेवरेट जगह कौन सी है. अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगी, वैसे तो आप लोगों को जो है कैप्शन या थंबनेल के बाद चल जाएगा, लेकिन अभी जो है मैं अभी वहाँ पे सीधा जाती हूँ. देन आप लोगों को जो है पूरा जो हमारा रास्ता होगा आप लोगों को जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो अभी हम चलते हैं वहाँ, हमारे साथ ब्लॉग के एंड तक ज्वाइन रहिएगा. और यहाँ पे देखें सिंधी कल्चर डे की वजह से कितना ज़्यादा रश हो रहा है. और कहीं जाने से पहले या आने से पहले यहाँ आने पड़ते तो आ गए हैं अभी पेट्रोल डलवाने. और यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सब आराम से खड़े थे, ये अचानक एक अंकल यहाँ से चीखते हुए गए और यहाँ पे सिंधी और सिंधी के आपस में लड़ाई शुरू हो गई. ऐसा पता नहीं क्या हो गया. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पेट्रोल डलवा के भी हम आगे जा रहे थे और यहाँ पे देखें, यहाँ पे रैली निकलने वाली है, अब तक निकली है नहीं. यहाँ पे सारा जो है इन्होंने ऐसा पूरा ऐसे लग रहा है रोड ही ब्लॉक कर देंगे ये लोग थोड़ी देर बाद. अभी सिर्फ इनके लिए थोड़ा सा रश है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा रश है. तो यहाँ पे सब खड़े हुए हैं. सिंधी कल्चर डे भाई, तो जो जो सिंधी नहीं भी है ना वो भी बाहर जाते हैं, ये बात, ये तो फैक्ट है. अभी हम जा रहे हैं अंडर बाईपास से, तो ऐसी आवाज़ें आ रही हैं. वैसे मैंने देखा है कि जिनके पास 125 होती है ना वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास 125 है. अभी हम निकल के अंडर बाईपास से बाहर और ये देखिए छोटी सी रैली जा रही है. ओशियन मॉल यहाँ पे आ गया है जो कि शाम के टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रात के मुताबिक मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है. ओशियन टावर यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए हैं. जिधर हमने जाना है मतलब जिस प्लान से हम निकले थे घर से कि हमने किधर जाना है, उससे पहले अभी हम जा रहे हैं क्लिफ्टन ब्लॉक 2. कुछ काम था इस वजह से, तो यहाँ से जो काम, जब यहाँ से काम पूरा हो जाएगा तो फिर सीधा निकलेंगे हम वहाँ के लिए जहाँ पे हमने जाना है. तो जो हमें काम था वो ख़त्म हो गया है और अब जो है थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है. और यार ये जो डोंग के आगे जा रहा है आप लोग देख रहे हैं, ये मैं यहाँ सुकून साइड में बैठी थी, मोबाइल यूज़ कर रही थी, तो देखा अचानक से ही मेरे इतना कहीं भाग गया और उसकी इतनी तेज़ आवाज़ आई ना मैं डर गई. मैंने कहा ये क्या. एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के. अभी हम जा रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे से, बिकॉज अभी जो है 6:10 का टाइम हो रहा है और जिधर हमने जाना है उधर टाइमिंग है कि ये 1 घंटे और कुछ मिनट्स की, जिधर हमने उस टाइम पे पहुंचना है. तो अभी हम यहाँ से जा रहे थे बिकॉज यहाँ से पहुंचने में मतलब जो लियारी एक्सप्रेस वे से पहुंचने में हाईवे 15 मिनट्स लगते हैं और अगर हम वैसे जो है जाएँ तो 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं हमारे घर से. तो अभी हम जाते हैं यहाँ से ताकि शॉर्टकट हो जाए और हमें जहाँ जाना है हम जल्दी पहुँच जाए. फाइनली हम जो है सराब रोड पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा रश है. और ये है इधर अल आबिद, इधर से जो आप लोगों को प्राइवेट रेंटा कार या बस या हाईएक्स मिलती है आप लोगों को जाने के लिए, अब आप लोगों की मर्ज़ी है. मतलब यहाँ पे होता है कि ये हैदराबाद जाएगी, आप लोगों को तो वैसे पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैंने बता रही हूँ. तो ये अभी हम यहाँ पर फाइनली आ गए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रहा है. अभी जो है हम बहरिया टाउन में फाइनली एंटर हो चुके हैं और अभी जो है हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट और फिर आ जाएगा बहरिया टाउन का मेन गेट जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है. और ये रहा बहरिया टाउन का गेट. बहुत ही खूबसूरत.
I think about you. You know that I have all gonna lose. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-way's been faking me out. Can't make you happier now. सारी रियल स्टेट्स बनी हुई हैं और यहाँ पे बिल्डिंग है. इधर सारी नीचे जो है वो रियल स्टेट्स है और ये बिल्डिंग जो है अभी आप लोगों को दिखेगी. ये वाली बिल्डिंग जो है अभी बन रही है. Thank you.
बीट के साथ साथ चल रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे बीट रोस्टर सॉन्ग इतना पसंद है, ऊपर से ये जो फाउंटेन बीट के साथ साथ चल रहे ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इतना तेज़ पानी आया अभी हमारे मुँह पर, अभी हम बिल्कुल आ गए हैं इसके सामने। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, दिन आगे आप लोगों को छोड़ हम जाएंगे, आप लोगों को फेयर ऑब्वियसली डिस्कवर कराने हैं ना, तो आज आए हैं तो फिर अभी चलते हैं आगे, आप लोगों को छूट होगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये है यहाँ पे रास्ता जाने का, अभी जो है थोड़ा बन रहा है, देखो मतलब ये रास्ता बन रहा है इधर, पर अभी हम ऐसे ही जा रहे हैं। और ये रहा सामने एफिल टावर, जिधर की लाइट जो है चेंज होती रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा लगता है। इधर आप लोग पूरा देख सकते हैं, वैसे तो इधर अंधेरा है बिकॉज अभी जो इसका काम कम्प्लीट नहीं हुआ, अभी इस बस में और जो है एफिल टावर पूरा रेडी कर दिया है, बाकी अभी तक कुछ भी रेडी नहीं हुआ है। और आप लोग इसकी लाइट्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और मेरा भाई हमेशा आगे चलता है तो मुझे तो ऐसे भूल ही जाते हैं, भाई मैं भी आप लोगों के साथ ही आई थी। खैर अभी ये एफिल टावर जिसकी लाइट चेंज होती रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो रही उसकी एंट्रेंस। गोल सिटी आप लोग देखें और इधर का पूरा व्यू, और ये रहा बहरिया टाउन का अम्यूजमेंट पार्क जिसकी है ये एंट्रेंस। और ये देखें इतना ज़्यादा अच्छा जो है अभी व्यू दिखता है, लेकिन रात के टाइम ज़्यादा खास नहीं कैप्चर हो रहा, वरना ये बहुत ज़्यादा अच्छा। और वो एक झूला दिख रहा है, बाकी अंदर बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ये पार्क बना हुआ है। तो बहरिया टाउन में ओपन हुआ है कबाब जीस बेकर्स, ये है यहाँ पे सिटिंग एरिया कबाब चीज़ का।
और ये है यहाँ पे कबाब चीज जो कि अभी न्यू ओपन हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इधर लाइटिंग, यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी उधर काम चल रहा है, उधर भी कुछ ओपन होगा। ये कबाब चीज एक्सप्रेस है, ये बेकरी है, बेकरी पे जो सारे बेकरी के आइटम्स मिलते हैं और एक्सप्रेस पे जैसे फास्ट फूड एंड खाने के यहाँ पे सामान मिलते हैं। और ये है बहरिया टाउन का हॉस्पिटल जिसमें लाइटिंग इतनी ख़ास नहीं हुई हुई, तो इस वजह से जो ये सही कैप्चर नहीं हुआ। और ये है कार्निवल, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा था, मैंने बना लिया वरना इसकी टाइमिंग जो ऑफ हो गई। तो अब हम जा रहे हैं बहरिया टाउन से वापस, और जब वापस जाते हो वैसा दुख होता है बिकॉज़ बहरिया टाउन में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतना ज़्यादा जो है खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वापस जाते थोड़ा जो है वो सैड भी होते हैं कि भाई अब वापस जा रहे हैं बहरिया टाउन से। खैर अब यहाँ से जो मैं फिंगर कर रही हूँ, इधर से जाते हैं कराची और ऊपर से जाते हैं हैदराबाद। और ये अंडर बाईपास देखें आप, इधर इतनी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग हुई है, यहाँ पर बंदा घर रुक के टिकटॉक बनाए, वैसे वैसे वो बात है, बड़ी अच्छी लाइटिंग हुई है। और जैसे हम अंडर पास से बाहर निकलते हैं वैसे ही अंधेरा हो जाता है। तो अब आ चुके हैं हम टोल टैक्स पे और जा रहे हैं वापस, अब खाना खाएंगे। खाना जो है वो दिखाना अच्छा नहीं लगता है व्लॉग में, आप लोग समझ ही सकते होंगे, जिसलिए जो है हम अपना खाना जो है वो इतना शो नहीं करते हैं। हम ये बता देते हैं कि हाँ अभी हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम जो खाना शो नहीं करते हैं बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता है। खैर तो अभी हम इसका खाना खाएंगे तो उसको आएंगे सीधा घर, तो आप लोगों से फिर सीधा घर भी जाके मिलते हैं। सो माई टू फैमिली, अभी जो हम घर पे आ चुके हैं एंड आई होप आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी हमने जो है सिंधी कल्चर ले था और हम गए बाहर, हमने जो है अपना ब्लॉग जो है बनाया बहरिया टाउन का। आई होप आप सबको जो है अच्छा लगा होगा। वैसे तो जो है कराची में भी काफ़ी जो है जगह सिंधी कल्चर डे के इवेंट्स थे, मैरी टाइम, पोर्ट गैंड और भी जगह थे, लेकिन मेरी फैमिली ने बोला कि बहरिया टाउन चलते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन का हमने जो है व्लॉग हमने पहले डाला था, लेकिन इतना डिटेल में जो है वो नहीं बना था, डांसिंग फाउंटेन का डाला था सिर्फ, आप लोगों ने आपको देखा होगा। तो ये हमने जो है वो व्लॉग थोड़ा डिटेल में बनाया, आप लोगों को हमने काफ़ी चीज़ें जो है बहरिया टाउन की एक्सप्लोर करवाई हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कबाब चीज़ जो कि अभी न्यू वहाँ पे ओपन हुआ, जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया था स्टार्ट में, उस पर ऐसी लाइटिंग हुई थी और वो न्यू ओपन जो है वो हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। उसका कुछ काम चल रहा था, शायद एक और भी शायद वहाँ पर कुछ ओपन होगा, तो वो भी जो है आगे चल के देख ही लेंगे कि वहाँ पर और क्या ओपन होगा। तो आई होप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।